नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। साथियों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अपनी ECSH की ऑफिशियल वेबसाइट है डिफेंस की। ये भी अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही नॉर्म्स में टर्म्स पर ये साथियों काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने भी हमारे आर्मी से हैं, तो वो सारे रिटायर हो जाते हैं, तो इस तहत इनको ECSS के तहत सारी हेल्थ स्कीम्स और हेल्थ बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। और ये ही वेबसाइट आपके आपके फौज ही और मिनिस्ट्री ही इसको पूरा मेंटेन करती है साथियों, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो साथियों, यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमको देखने को मिल पा रही है। और जितने भी हमारे बिहार से साथी हैं, जितने भी हमारे बिहार से फार्मासिस्ट हैं, तो उनके रीजन में यहाँ पर साथियों फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमको अच्छे खासे नंबर की यहाँ पर अभी हमको देखने को मिल पा रही है। जैसा कि हम अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर आओगे, उनके रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर जाओगे, तो साथ ही आपको नोटिफिकेशन बिहार का, पटना रीजन का आपको मिल जाएगा। आइए हम PDF देखते हैं यहाँ पर आकर। साथ ही ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपके ECSH का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दानापुर एक के साथियों बिहार में जगह है, तो वहाँ पर ये इनका स्टेशन हेडक्वार्टर है। वहाँ पर साथियों आप यहाँ पर पूरी बात पढ़ सकते हो, जितना कि इसमें लिख पा रहा है। ECSH इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑफ 11th मंथ। साथियों मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है 11th मंथ के साथियों, यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। फिर आफ्टर दैट वो सारा रिन्यू होता रहता है आपके ईयर टू ईयर साथियों, लेकिन वैसे 11th मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर वैकेंसी ये रहेगी साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फार्मासिस्ट, तो जितने हमारे बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी करे हुए भाई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 वैकेंसी हैं साथियों, 11th वैकेंसी हैं यहाँ पर पूरे, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट बिहार से हैं और उनका रजिस्ट्रेशन बिहार से, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि अब बिहार वाले ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमारे भाई अदर स्टेट से भी हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर रजिस्ट्रेशन साथियों मांगा जाता है। अगर हम यहाँ पर पेमेंट की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपको 28,100 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट मांगा जाएगा, और वो सॉरी दिया जाएगा। यहाँ पर 28,100 रुपये आपकी यहाँ पर बेसिक इनकम रहेगी साथियों। टर्म एंड कंडीशन आप साथियों यहाँ पर पढ़ सकते हो पूरी, और आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है। अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं अप्लाई करने की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन हम फार्मासिस्ट की अगर हम बात अप्लाई, तो साथ ही आप यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू भी देख पा रहे होंगे, जैसा कि सभी लोगों की अलग अलग है। तो हम फार्मासिस्ट की अगर डेट ऑफ इंटरव्यू तो बात करते हैं साथ, यहाँ पर 22 फरवरी 2023 यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू दी गई है साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट डेट अगर हम फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं, तो 31 जनवरी आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, और आपको यहाँ पर हेड क्वार्टर के अंदर ही आपको इसका फॉर्म जमा करना होगा, बाय पोस्ट और बाय हैंड आप यहाँ पर जमा कर सकते हो साथियों। तो ये साथियों एक अपडेट था इसी के रिलेटेड फार्मासिस्ट वैकेंसी का, जो कि आपकी डिफेंस में है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। जितने हमारे भाई हैं अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस PDF का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और ऐसे डेली अपडेट पाने के मेरे चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।